अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज दानिश उमरो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोर फॉर यू डॉट पीके। गाइस, हमारी कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। आपको पता है कि कभी लॉकडाउन, कभी जो है अभी रमज़ान भी है, सो इस वजह से थोड़ी हमारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपने जो है ऑडियंस के लिए अपलोड करें और फोन्स को अनबॉक्स करें। गाइस, आज जो हम आपके लिए फ़ोन अनबॉक्स करने जा रहे हैं विच इज़ Xiaomi X3 Pro। ये Xiaomi वालों की डिवाइस है X3 Pro, आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे। गाइज, जब लोगों ने मुझे बताया कि Xiaomi वालों के मिड रेंज फ़ोन आना है विच इज़ 860 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, फ्लैगशिप प्रोसेसर लगाने जा रहे हैं 860, और मैं यकीन नहीं कर रहा था कि कंपनी ऐसा भी करेगी कि 40 मिड रेंज में फ्लैगशिप प्रोसेसर लगा लेगी। लेकिन दिस फ़ोन इज़ अमेजिंग, मीन्स इस मिड रेंज फ़ोन का समझ लें कि फादर ऑफ मिड रेंज फ़ोन्स। सो 860 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है विथ 5130mAh बैटरी है इसकी, और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 6.67 इंचेस स्क्रीन है इसकी। ये एक शॉर्ट समरी मैं आपको बता रहा हूँ, फर्दर मैं आपको डिटेलिंग अनबॉक्स के बाद दूंगा। सो अच्छा, और दूसरी गाइस, आप लोगों के साथ ये बात करनी थी कि हमारी जो एनालिटिक्स है वो आ रही है कि फॉर एग्जाम्पल 500 व्यूज़ अगर हमारी किस वीडियो के होते हैं तो 400 पीपल जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं और 100 सब्सक्राइब मिल जाते हैं। सो गाइस, सब्सक्रिप्शन हमारी मोटिवेशन है, आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतनी हमें मोटिवेशन मिलती है, उतनी वीडियोस हम अपलोड करेंगे और आपके लिए काम करेंगे। सब्सक्रिप्शन के आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको बेनिफिट ही है। एटलीस्ट आपको इतना तो पता चल जाएगा कि मार्केट में कौन सा नया फ़ोन आया है और कैसा है और उसकी की फीचर्स क्या है और क्या प्राइसिंग है। सो आप जो है अनबॉक्सिंग से पहले हमारे चैनल को जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन आते रहें। गाइस, ये X3 Pro जो है ये दो रेंजेस में आता है पाकिस्तान में, 42,000 और 48,000। 42,000 में जो आता है वो 6GB और 128GB आता है, 48,000 में जो आता है वो 8GB और 256GB आता है, जिसमें 8GB रैम है और 256GB रोम है। सो हम अपनी ऑडियंस के लिए जो अनबॉक्स करने जा रहे हैं विच इज़ 8GB और 256GB, अपनी ऑडियंस के लिए ये अनबॉक्स करेंगे। और इसका एक नया कलर आया है विच इज़ अ ब्रॉन्ज कलर, हम वही अनबॉक्स करेंगे ताकि आपको अंदर से पता चले कि ब्रॉन्ज कलर कैसा है। ब्लू और ब्लैक तो आपने बहुत देखे, आज हम आपके लिए अनबॉक्स करने जा रहे हैं 8GB 256GB X3 Pro। और अनबॉक्स करने से पहले इंट्रो। सो गाइज, दिस इज द फोन X3 Pro, ये हम आपके लिए अनबॉक्स करने जा रहे हैं। दिस इज द वारंटी कार्ड, ये एक वारंटी कार्ड है इसमें। अच्छा गाइज, जैसे ही अनबॉक्स किया है तो इन्होंने एक जो है अपना कार्ड दिया है जो कि वेलकम टू द पोको फैमिली, और मींस के ये अच्छा लगता है कि कंपनी डायरेक्ट अपने कस्टमर से लिंक जो है डायरेक्ट अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करती है। तो इस तरह से इन्होंने कार्ड प्रिंट कराए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू द पोको फैमिली, थैंक यू फॉर चूजिंग पोको, और गुड। और देखते हैं इसमें क्या है। ये एक स्टिकर्स भी दिए हैं इस बार, ये आपके सामने पोको वालों ने, आप अपनी गाड़ी पे लगाएं या फ़ोन पे लगाएं जहाँ भी। ये बुकलेट्स हैं जिसमें वारंटी का मेंशन किया हुआ है और ये सारी बुकलेट्स प्रिंट कराई हुई हैं। ये सिलिकॉन केस और ये स्टिकर और ये एक सिम इंजेक्टर उन्होंने दिया हुआ है विच इज़ दिस फोन, ये सिम इंजेक्टर है। और दिस इज़ द डिवाइस, फाइनली आपके सामने डिवाइस है। सो गाइस, में कुछ हाइलाइट्स दिए हुए हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे और फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं इसके हाइलाइट्स क्या लिखे हुए हैं। पोको X3 Pro Qualcomm Snapdragon 860 Snapdragon, जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं कि प्रोसेसर जो है ये होना चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ 120Hz का डिस्प्ले दिया है, रिफ्रेश रेट आपका 120Hz का है, डॉट डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 6 लगा हुआ है इसमें, राइट, लाइटनिंग फास्ट UFC लगी हुई है इसमें, स्टोरेज जो है वो भी बड़ी फास्टेस्ट दी हुई है 3.1, ये एक नई चीज़ है। 5160mAh की बैटरी है विच इज लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी, मीन्स के कूल टेक्नोलॉजी अलग है, जो अपना इसमें लिखा हुआ है कि कॉपर के अंदर जैमर्स होंगे यकीनन जो इसको कूल रख रहे होंगे फ़ोन को। सो अनरैप करते हैं गाइज ये हाईलाइट से। सो दिस इज़ द कलर ब्रॉन्ज, और 8GB और 256GB वेरिएंट हमने आपके लिए अनबॉक्स किया था, ये कलर आपके सामने, दिस इज़ द ब्रॉन्ज कलर जो हमने आपके लिए अनबॉक्स किया है।
बिल्कुल अभी अभी, और अब इसमें देखते हैं अंदर क्या है। टॉप पर जो है एक वॉइस कैंसिलेशन है, जो है वो डॉट है, ये मैं आपको दिखाऊँ, वॉइस कैंसिलेशन। और यहाँ पर वॉल्यूम बटन है, दिस इज़ वॉल्यूम बटन, और साइड में पावर बटन के साथ ही फिंगरप्रिंट है। और नीचे जो है टाइप सी जो है अपना जैक है, यूएसबी 3.0 जो उन्होंने बताया, और 3.5 mm का जैक। डुअल स्पीकर है गाइस इसमें, यहाँ भी स्पीकर है और यहाँ पर भी है, डुअल स्पीकर टेक्नोलॉजी इन्होंने कहा है कि इसमें। डॉट डिस्प्ले, अब ऑन करते हैं फ़ोन को, जब तक फ़ोन ऑन हो जाए तो हम इसकी एसरीज देख लेते हैं। अमूमन चार्जर ही देते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बट फिर भी देख लेते हैं। सो गाइस वन चार्जर, अच्छा 33 वॉट की चार्जिंग है, लेकिन चार्जर जो है वो देखते हैं कि कितने वॉट का चार्जर, 27 वॉट का चार्जर दिया है उन्होंने, 33 वॉट तक सपोर्टेड है, लेकिन चार्जर जो है वो अगर ये वाइट कलर है आपको अगर दिख जाए, सो लाइटिंग की वजह से क्या पता ना दिख रहा हो, बट ये आपको दिख जाए 27 वॉट का चार्जर। और इसकी जो डेटा केबल है वो टाइप सी डेटा केबल है, विच इज़ यूएसबी टू टाइप सी। गाइस सो दिस इज़ द फोन, ये आपके लिए हमने अनबॉक्स कर दिया। अब इस फोन को एक्टिव करते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें कैसा है। सो एक्टिव करते हैं फोन। सो गाइस ये एक्टिवेट फोन हो गया है। अब हम इसके जो है ये लोडिंग एप्स हो, जब तक मैं ये बता दूं कि इसके बैक पे जो है 4 कैमरास हैं, ये आप देख सकते हैं कि बैक पे 4 कैमरास विद एलईडी फ्लैश, ये एलईडी फ्लैश है। एक कैमरा इसका जो है वो 48 मेगापिक्सल है, जो कि वाइट कैमरा है। 8 मेगापिक्सल इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैम इसका 20 मेगापिक्सल है। अच्छा कैमरा के कुछ स्नैप्स हैं वो मैं आपको आगे चल के शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा। अब ये स्क्रीन ऑन हो गई है गाइस, ये आपका फर्स्ट डिस्प्ले और फर्स्ट लुक। इसकी स्क्रीन साइज जो है वो 6.67 इंचेस है, गोरिल्ला ग्लास 5 है। ये जो इसका टच जो रिफ्रेश हर्ट्ज है, इसके मैंने आपको बताऊं कि अपना डिस्प्ले जो है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, मैं आपको बता चुका हूं इसमें, जो कि आपको पबजी जो है स्मूथ गेमिंग देता है, या जो भी गेमर्स हैं उनको जो है हाई रिफ्रेश रेट चाहिए होता है। सो और गेमर्स भाई के लिए तो गुड न्यूज़ है, 860 स्नैपड्रैगन 42,000 में फ़ोन, और क्या चाहिए उनको इतने पैसों में। अच्छा और देखते हैं इसके अबाउट फ़ोन में क्या है। अच्छा रिफ्रेश रेट गाइज ये आप देख लें, 120 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़, ये दोनों रिफ्रेश रेट जो है आपके सामने हैं। और अबाउट फ़ोन में देख लें कि और क्या है इसमें, डार्क मोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा भाई अबाउट फ़ोन में लिखा हुआ है कि MIUI 12.02 इनका इंटरफेस जो है वो एक चलता है, जो कि MIUI ग्लोबल है। और एंड्रॉयड वर्जन जो है ये अपना 11 है, एंड्रॉयड वर्जन इन्होंने एंड्रॉयड वर्जन 11 दिया है अंदर से। और स्टोरेज मैंने आपको बता दिया कि ये 6128 में भी आता है और 8 256 में भी आता है, हमने जो अनबॉक्स किया है वो 8 GB और 256 GB किया है। अच्छा अब हम इसकी सिम स्लॉट निकाल के देखें कि अंदर जो है सिम स्लॉट इसकी कितनी है, उसमें अगर हम मेमोरी एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। सो गाइस इसमें जो है अपना सिम स्लॉट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हाइब्रिड है, या तो आप वन सिम और वन कार्ड लगा सकते हैं या डुअल सिम लगा सकते हैं। स्टोरेज वैसे ही ज़्यादा दी हुई है, बट अगर आप डुअल सिम लगाना चाहें तो आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते इसमें। सो वन सिम वन कार्ड, सो दिस इज़ द सिम ट्रे। और अब हम अंदर फीचर्स देखते हैं, इसके कैमरा के फीचर्स क्या हैं, और कैमरा का रिजल्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ, बट अब कैमरा में क्या क्या फीचर्स हैं। प्रो कैमरा है, वीडियो है, वीडियो कहाँ तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो इसमें देखें आप 720 1080 1080 60 FPS 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड हो सकती है वीडियो इसकी। मैक्रो कैमरा है और ट्रैकिंग मूविंग भी है। फोटोग्राफी में भी आप जो है इसमें डिफरेंट टाइमिंग और ये टाइम बस्ट और ये सारी फीचर्स आपके सामने हैं, ये सेलेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड और मोर में देखें क्या है, नाइट मोड है, 48 MP शॉर्ट वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, व्लॉग, व्लॉग का एक अलग से फीचर दिया है उन्होंने जैसे आप यूज़ कर सकते हैं। डुअल वीडियो, डुअल वीडियो में ये होता है कि सेल्फी और बैक दोनों एक साथ काम करते हैं। टाइम लैप्स दिया है, स्लोमो दिया है और क्लोन दिया है, दीज आर द फीचर्स फॉर कैमरा। अच्छा आप बैक कैमरा की रिजल्ट आप चेक करेंगे, रिजल्ट ये 48 मेगापिक्सल का हमने एक वाइट फोटो ली है आपके सामने, रिजल्ट आप खुद जज करेंगे कैसा रिजल्ट है। एक हमने पोर्ट्रेट कैमरा की रिजल्ट दी है, आप पोर्ट्रेट भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है मैक्रो में देखें, मैक्रो का भी इसका रिजल्ट माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है। 2 मेगापिक्सल दिया है, 5 दे सकते थे बट 2 है, बट 2 में भी इनका रिजल्ट बेहतरीन दिख रहा है। और 2 MP डेप्थ कैमरा है जो कि आपको पोर्ट्रेट देता है।
फ्रंट कैमरा मैंने आपको बता दिया 20 MP है, फ्रंट का रिजल्ट भी आप चेक करें आपके सामने, दिस इज द फ्रंट कैम रिजल्ट, ये नॉर्मल रिजल्ट है और ये दूसरा पोर्ट्रेट कैमरा रिजल्ट। सो गाइस दिस इज द फोन X3 Pro और ये हमारे स्टोर पे अवेलेबल भी है, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन इसको, और अगर कोई क्वेश्चन हो क्यूरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपको बताएंगे, हम आपके लिए सारे फ़ोन्स कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी अनबॉक्स करें और आपको अपडेट रखें फ़ोन से। और केक में शॉर्ट समरी आपको दे दूं, विच इज़ X3 Pro Xiaomi वालों का फ़ोन है, 42,000 की रेंज में आता है लेकिन मार्केट में 40,000 में भी मिल जाता है, 860 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ है, 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले लगा हुआ है, 1080 का डिस्प्ले दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 5160mAh की बैटरी है एंड दिस इज द ब्रॉन्ज कलर जो हमने आपके लिए अनबॉक्स किया है, यहाँ से भी देख लें और यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ ये कलर और लुक और डिज़ाइन और स्लिमनेस, ठीक है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस पोको X3 Pro, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं, दिस इज दानिश सुमरो एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।